देख रहे हो भाई साहब, बिग बास्केट में लड़की होके साथ साथ आठ आठ बॉक्स में डिलीवरी करने जा रही है। तो इसलिए भाई कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। भैया ने मुझे पहले ही पेमेंट दे दिया दोस्तों, वो क्योंकि कह रहे भैया मुझे ही पेमेंट करना है तो कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और देखो भाई, बार बार ना ये जो है फिर से ऑर्डर मुझे इसी रूट का आ रहा है, पता नहीं कहाँ खेत खलियान से लेके जा रहा है। और अगर ये रात का टाइम होता ना तो GPS का कभी भी कोई भरोसा नहीं है। बस सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा एप्लीकेशन। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और आज के इस वीडियो में चलो बोलो एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी जो कि अलवर का मैं डिलीवरी लेके गया था स्कूटॉन में, बट वो इनकम्प्लीट वीडियो था जिसमें मैंने कोई स्क्रीनशॉट या अर्निंग नहीं बताया था, तो आप लोग बहुत गुस्सा हो गए थे भाई। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, फर्स्ट राइड कैसे लेना है, और मैं एग्जैक्ट लेके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर पे जाना है और आपको लिखना है स्कूटॉन डिलीवरी पार्टनर ऐप, या फिर स्कूटॉन लिखेंगे तो भी आ जाता है। उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ऐप मोबाइल में परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड करना है, उस पर एक OTP आएगा। OTP आते ही दोस्तों उसको आप OTP डालेंगे तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा एप्लीकेशन, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, व्हीकल की RC, इंश्योरेंस और आपका पॉल्यूशन, इसके अलावा NOC अगर आपकी गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी है, तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ये आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर दे दोस्तों, विद इन आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप 7 से 8 दिन में आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगा। वैसे कहते हैं कि 7 से 8 दिन, बट ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 3 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। 2 days later आप लोग पूछते हैं कि बैग में क्या क्या लेके चलना चाहिए, तो देखो एक तो मैं बंजी रोप, एक वो वाला और एक ये, मैं अक्सर 2 बंजी रोप लेके चलता हूँ, जिससे कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत अगर हैवी सामान या बांधने लायक होता है तो उसको मैं बांध सकूं। तो अभी हाल फिलहाल मुझे दोस्तों जाना है सेक्टर 40, तो मुझे वहाँ पे भाई को एक ग्लव्स देना है, ठीक है, उनका एक ऑर्डर है। तो ये और आप सबसे बोलूँगा यार, अगर हेलमेट वगैरह पहनते हो तो इस तरीके के बालकलावा या बंडाना जो है सर के नीचे ज़रूर यूज़ करो। ये मैं वेटिंग मशीन भी लेके चलता हूँ, ये वेटिंग मशीन जो है ये तुम्हारा है, मशीन ले लो भाई, जिससे कि बाई चांस क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी ज़्यादा वेटिंग का आइटम दे देता है तो तोलने के लिए काम आ जाता है। तो उनको एक्चुअल में रियलिटी दिखाने के लिए कि हाँ भाई आप बोल रहे हो 5 किलो है, बट वो होता 30 किलो 35 किलो। सीधा चलते हैं और भाई को ये डिलीवर करते हैं, देन हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आज का। ऑलमोस्ट दोस्तों मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, तो फटाफट जो ग्लव से भाई को वो दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं और आगे का सफ़र करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेक्टर 40 में और हमारे साथ है संदीप भाई, और ये जो है GT 650 चलाते हैं ना, GT Continental। और एक बार मुझे गाड़ी के कुछ फोटो दे देना तो मैं अपने व्यूअर्स को जो है दिखा दूंगा कि कौन सी बाइक चलाते हैं। इनको ना सोमी का SU11 काफ़ी पसंद था और ग्रे कलर में, तो मुझे स्पेशल इन्होंने मैसेज किया कि भिजवा देना, और ये दार्जिलिंग के हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है ना, एक्चुअली ये अभी अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ऑनलाइन, इसलिए मैंने भैया का नंबर देखा। अच्छा, इसलिए मुझे काफी अच्छा है, लगा के काफी अच्छा फील आ रहा है ना। अभी एक्साइटेड हूँ इसको पहन के राइड करने के लिए। थैंक यू भाई, ये बाइक भी जो है एकदम हैवी चला रहे हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा संदीप जी, आप या आपके जो भी को राइडर हैं और भाई लोग हैं, वो हमेशा ग्लव्स और राइडिंग गियर्स पहन के चलाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच हमसे शॉपिंग और भाई वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो संदीप भाई को तो अपने ग्लव्स जो है वो दे दिया, और अपने दार्जिलिंग आसाम सिक्किम साइड के जितने भी भाई लोग हैं यार, उनको दिल से सलाम है। वो इतने स्वीट होते हैं कि बस मजा आ जाता है उनसे बात करके, ठीक है। तो अब दोस्तों मुझे सीधा जाना है पहले नेहरू प्लेस, और मुझे अपने GoPro के कुछ आइटम लेने, अगर मिल जाता है तो ठीक है, फिर मैं अपना स्कूटॉन का जो मैं आप लोगों को काम आज दिखाने वाला हूँ फिर उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। इस ब्रिज पे दोस्तों शाम के समय 4-5 बजे से इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है, क्योंकि पूरा साइड साइड से ना स्टॉल लगा लेते हैं लोग, आपको जूते, कपड़े, ग्लव्स, मोजे सब कुछ यहाँ पे जो है मिलेगा। तो इससे देखो लोग ऐसे शॉपिंग करते हैं शाम के समय पे, जैसे स्पेशली वो लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से यार अभी पानी भी तो भरा हुआ है। अब
को ब्लॉग देखता हूँ। अरे थैंक यू भाई, ये आपका है थोड़ा बहुत लोकेश जी का है। अरे वाह। तो दोस्तों मेरे पास बुकिंग आ रखी है स्कूटॉन का, जो कि फरीदाबाद का है यार, और बिल्कुल भी मुझे कैमरा ऑन करने तक का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने ऐप ऑन किया और राइड आ गई, तो मुझे लगा पता नहीं राइड आएगी या नहीं, तो मैंने फटाफट इसको एक्सेप्ट कर लिया। वही मैं भैया को जो है बता रहा था कि यार मैं भी फरीदाबाद जा रहा हूँ, तो ये हमारे रेगुलर व्यूअर है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे भाई लोग अगर आप मिलते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, आप लोग हो तो हम लोग हैं। तो इस राइड की जो पिकअप है वो लगभग 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से भी कम है। ठीक, अब मैं आपको इस राइड में स्कूटॉन के बारे में चलो पूरा बताऊंगा, बाकी तो मैंने ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता ही दिया है, कि आखिर फेयर वगैरह क्या मिलता है वो बताऊंगा, काफी लंबा डिस्टेंस है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख। लोकेशन पे ऑलमोस्ट मैं आ गया हूँ दोस्तों, और ये जैसे मैंने इसका वेट देखा कि 15 से 20 किलो स्टेशनरी में, तो मैं चौंक गया एकदम से। देख रहे हो भाई साहब, बिग बास्केट में लड़की होके साथ साथ 8-8 बॉक्स में डिलीवरी करने जा रही है, तो इसलिए भाई कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। चलो दोस्तों फटाफट कस्टमर को जो है कॉल कर लेते हैं। ख्याल से बाहर है? नहीं, बाहर नहीं हूँ, तो अंदर ही मैं। ये डेंटल क्लिनिक है, जिशान मोबाइल वाला है, ये बिल्कुल गली है जिसमें दुकानें हैं, मार्केट है। वो तो मैन तेरा नंबर हो गया ना, आप किसी को पूछो कि होली चौक किधर पड़ेगा, आप होली चौक तक आओ। अच्छा होली चौक, तो भाई कालका जी की ये छोटी छोटी गलियों में घूमता हुआ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी से पूछना पड़ेगा आसपास के होली चौक का है, तो ऐसे मार्केट में यही होता है, क्योंकि यार हमें पता होता नहीं हो, GPS जो है ना तो इसका थोड़ा बहुत वेरी करता है, 50 मीटर 100 मीटर का तो कम से कम डिफरेंस दे ही रहा है। ठीक है, तो चलो पूछ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, स्कूटर देखना है, फोल्ड ना हो। अच्छा अच्छा, मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाँ, ये आपके सामने रख दिया, मस्त। मेरे पास कैसे हो सकता है, आपने बुक किया? ऐप पे होगा, ऐप पे। अच्छा, एक ऐप आपके पास है? नहीं, ऐप मेरे पास नहीं है। जिन्होंने बुक किया ना उनके पास होगा। आप बोल रहे हैं ऐप पे आएगा आपके पास? आपका नंबर था ये है क्या? हाँ, मैसेज। हाँ, ड्रॉप फोटो। ठीक है भैया, पेमेंट आ गया। देखो आपने बोला था बिल्कुल लेट फोल्ड मत करना, मैंने बिल्कुल फोल्ड नहीं किया, देख लो आराम से रख दिया। ठीक है, अब और चलो भाई, तो यही पार्सल है, वैसे तो ये बीच बीच का आ रहा है, बट अभी मैं आपका पहला यही करूँगा डिलीवर। ठीक है, थैंक यू भैया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं ज़्यादातर यही करता हूँ, अगर पास का हो तो लेता हूँ, अदरवाइज सीधा भागता हूँ, पहले वो डिलीवर करता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ हाँ, मैं फ़ोन कर लूँगा उनको। भैया ने मुझे पहले ही पेमेंट दे दिया दोस्तों, वो क्योंकि कह रहे भैया मुझे ही पेमेंट करना है तो कर देता हूँ, मैंने कहा ठीक है। और देखो भाई, बार बार ना ये जो है फिर से ऑर्डर मुझे इसी रूट का आ रहा है, एक बार में फरीदाबाद का ही आ रहा है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। चलो इसको भी, पर ये पिकअप जो है पता नहीं कितनी दूरी से, क्या करूँ, पिक कर लूँ एक बार में दो? बट मैं ना झंझट में फंसना नहीं चाहता, बट इस तरीके से हम लोग जो है एक बार में दो ऑर्डर भी पिक कर सकते हैं। देखो फरीदाबाद का ही है और साथ में जा भी फरीदाबाद रहा हूँ, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता यार का जो डिलीवरी का है वो कितनी दूर है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो लाल लाल से है ना, इसमें क्लिक करना है तो आपको लोकेशन खुल जाता है कि कहाँ पाए। तो ये जी साई पैकेजिंग के नाम से 29 किलोमीटर है। चलो भैया, मैंने दोस्तों एक बार ऑर्डर एक्सेप्ट करने की कोशिश की इसी रूट की, बट मेरे को एक अलर्ट आ गया कि भैया यू आर ऑलरेडी इन ऑर्डर, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट द अनदर ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसमें एक ऑर्डर एक टाइम पे कर सकते हो, दूसरा अभी नहीं दे रही, क्योंकि मुझे भी पता है कंपनी सोचती होगी यार एक बार में पता नहीं बंदा डिलीवर करेगा। भाई अब तक तो गांव के बीच में से लेके आया, अजीब व गरीब पूरा फरीदाबाद गांव होते हुए अभी आगे दिखा रहा है 2.5 किलोमीटर, जबकि बदरपुर का एड्रेस है, और पता नहीं तो।
भाई साहब लोकेशन पता नहीं कहाँ खेत खलियान से लेके जा रहे हैं, और अगर ये रात का टाइम होता ना तो जीपीएस का कभी भी कोई भरोसा नहीं है। देख रहे हो अगर बारिश हो कीचड़ में तो लतपत बाइक जा ही नहीं सकती है यार, बस गांव की जो ट्रैक्टर वगैरह है ना वही जाती होगी। तो बट रास्ता है, जीपीएस दिखा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो यूज करता है। तो मैंने कहा चलो भाई जीपीएस दिखा रहा था हम भी चलते हैं। और ये पैच ना भाई मेरे को 2 किलोमीटर का ऐसा लग रहा, पता नहीं 20 किलोमीटर है क्या। आसपास तो कोई बंदा है ही नहीं कि मैं किसी से पूछ लूँ या कुछ, बट मुझे सामने एक दिख रही है वो घर सा, तो मुझे लग रहा है शायद कुछ तो है आगे, तो मैं फटाफट जो है चले जा रहा हूँ। बट इसी रास्ते को देख के मुझे भाई अलवर की याद आ गई। अलवर में कैसा एकदम हरा भरा था, मस्त खेतों के बीच में गया था, वही है। तो स्कूटर भाई मेरे को देख लो जब भी डिलीवरी देती है ना, वो मुझे लग रहा है पूरा इंडिया ही घुमाना चाहती है वो मेरे को। बट जो भी हो मजा बहुत आ रहा है भाई साहब, चारों तरफ आप देखो एक बार, दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली, कहीं कुछ भी नहीं, ना बंदा ना कुछ, एक आध बंदे गए भी, बट दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत, और मजा आ गया। मतलब पैकेजिंग कंपनी है यही है ना, साई पैकेजिंग यही है भाई साहब। चलो अंदर, पार्सल क्या देना है वो तो ले लो गुरुजी, आप तो यूं ही एक्साइटेड हो रहे हो। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाए। ये वाला कस्टमर ने कहा था कि भाई साहब बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। मैं कहा अच्छा जी, हेलमेट रख के जा रहा हूँ, कोई लेने भागे। क्या है बताइए, साई पैकेजिंग ये है ना? हाँ बताइए। ये पार्सल है कब? साई पैकेजिंग डाला है। हाँ, OTP आया होगा जिसके। हेलो। हाँ भैया, मैंने एक पैकेज लाया था स्कूटोन से। हाँ। तो कहाँ देना है ये? कहाँ पे हो? मैं गेट पे खड़ा हूँ। कंपनी साई कंपनी? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, आ रहे। अच्छा, या इनको दे दें हम, वो दे दीजिए OTP, जैसे गाँव के अंदर से लेके आया बिल्कुल GPS। ये रोड सीधा है ना? हाँ। देख धूल मिट्टी देख रहे हो क्या कर दिया हमें, एक डिलीवरी में इतना धूल मिट्टी हो गया तो भैया हो गया, सांस लेना दुश्वार है। तो ध्यान देखो करो कि गाड़ी का आवाज आ रही है। लेकिन हरा भरा था पूरा, मजा आया गाने में। वापस देखो एक ऑर्डर आ रहा है स्क्रीन पे, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक इसको मैं कम्प्लीट नहीं करूँगा। बात कर लो उनसे, ठीक है? कर लेंगे। हाँ, पैसा आ गया है ना? चलो भैया हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर्ड। मेरा घर दिखा रहे हैं यहाँ से बच्चे, तो ये दूसरा काउंट होगा क्योंकि पहला मैं डिलीवर्ड किया था जो आपने देखा, अलवर लेके गया हुआ था। ठीक है, चाबी कहाँ है यार? चलो तो बाइक चालू करते हैं और निकलते हैं घर की ओर। अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करें, और 2-व्हीलर में हमेशा हेलमेट पहने। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।